हेलो दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग में श्रृंखला के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। इस तरह के प्रश्न हर परीक्षा में आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, पीसीएस हो, कोई सा भी परीक्षा हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, हर तरह की परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न आते हैं। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करना है, हमें अप्रोच क्या होनी चाहिए वो मैं बताऊँगा। इस तरह के प्रश्नों को करने से पहले आपको दो चीज़ों का ज्ञान पूरी तरह से अच्छी तरह से होना चाहिए। पहला, एक से लेकर 20 तक के स्क्वायर आपको मालूम होने चाहिए और एक से लेकर 10 तक के क्यूब क्या होते हैं ये आपको मालूम होने चाहिए। तो इससे पहले कि हम प्रश्नों को शुरू करें और कैसे करना है उसको हम पहले देख लेते हैं कि एक से लेकर 10 तक के क्यूब क्या होते हैं। 5 तक का क्यूब आप सभी को मालूम होगा, 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? 6 का क्यूब आप सभी को मालूम होगा, 6 का क्यूब कितना होता है? 6 का क्यूब होता है 216। फिर 7 का क्यूब कितना होता है? 343। 8 का क्यूब कितना होता है? 512। ये आपको याद होना चाहिए, 8 का क्यूब। और 9 का क्यूब कितना होता है? 9 का क्यूब होता है 729। ये आपके बिल्कुल जुबान पे होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। और एक से लेकर 20 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। फिर दूसरी चीज, इस तरह के श्रृंखला के प्रश्नों को करने के लिए आपको सबसे पहले करना होता है कि पहली और दूसरी या दूसरी और तीसरी संख्या के बीच का कितना अंतर है ये देखना होता है। इस तरह के प्रश्नों में कोई ना कोई संबंध जरूर मिल जाता है, लगभग 50-60% प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है इस तरह से। बाकी प्रश्नों के लिए ट्रिक होती है या उसके अभ्यास करने से उस तरह के कितने तरह के प्रश्न बनते हैं उसको करने से पता चल जाएगा। तो देखिए, पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 2 के बाद 6 आ रहा है, 6 के बाद 33, 49, 174, 110। इस तरह के प्रश्नों को कैसे करेंगे? संख्या बढ़ रही है यानी कि इनके बीच का अंतर बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम इनके बीच का अंतर देख लेते हैं कि इनके बीच में, प्रत्येक के बीच में अंतर कितना आ रहा है, क्या इसमें कोई संबंध हमें पता चलता है या नहीं पता चलता है। 2 और 6 के बीच में कितना अंतर आ रहा है? 4 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 6 और 33 के बीच में कितना अंतर आएगा? 6 और 33 के बीच में आएगा 27 का अंतर, 27 का अंतर आ रहा है। 6 और 33 के बीच में 27 का अंतर आ रहा है, ठीक है। 33 और 49 के बीच में कितना अंतर आएगा? 33 और 49 के बीच में 16 का अंतर आ रहा है, ठीक है, 16 का अंतर आ रहा है। पहले हम लिख लेंगे, 49 से 74 के बीच में कितने का अंतर आएगा? आप घटा के देख लीजिए, 174 को 49 से 125 का अंतर आएगा। इसी तरह से 174 और 210 के बीच में कितना अंतर आएगा ये हमें देखना होगा। तो 174 और 210 के बीच में 36 का अंतर आ रहा है। अब ये अंतर आपने देख लिया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पर कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना है। अब हम देखते हैं कि क्या इनके अंतर में कोई भी संबंध हमें पता चल रहा है या नहीं पता चल रहा है। अगर पता चल रहा है तो हम कर लेंगे सवाल को, नहीं पता चल रहा है तो कुछ और सोचना पड़ेगा। देखते हैं, ये 2 का स्क्वायर है 4, ये 3 की क्यूब है 27, 4 का स्क्वायर 16 है, 5 की क्यूब 25 है, 6 का स्क्वायर 36 है। यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि इसमें स्क्वायर और क्यूब का कॉम्बिनेशन है। यानी कि पहली संख्या 2 का स्क्वायर है तो इसके ठीक अगली 3 का क्यूब है, फिर 4 का स्क्वायर 5 क्यूब, 6 का स्क्वायर 7 क्यूब। यानी कि जो नेक्स्ट संख्या होगी उसमें हम 7 की जो भी क्यूब होगी उसको हम एड ऑन कर देंगे, तो 7 की क्यूब क्या हो जाती है? 343 होती है। तो हम 210 में 343 ऐड करेंगे, 3 आ जाएगा, 4 और 1 5 और 3 2 5, 553 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये 879, 536, 195, 131, 104, इसके बीच का पहले अंतर देख लेते हैं कि क्या इनके अंतर के बीच में कोई भी संबंध स्थापित हो पा रहा है। अगर हम इस तरफ से लेकर चलते हैं 879 की तरफ से, 879 की तरफ से, तो संख्याएं घट रही हैं, इसका मतलब संख्याओं को घटाया जा रहा है। अगर हम इस तरफ से, दोनों तरफ से लेकर चलते हैं, इस तरफ से लेकर चल रहे हैं तो संख्याएं बढ़ रही हैं यानी कि जोड़ा जा रहा है। हम इधर से लेकर चलते हैं, 104 से 131 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा? 104 से 131 को अगर हम घटाते हैं 131 में से 104 को, तो कितना आएगा? 27 आ जाएगा। उसी तरह से 195 में से अगर हम 131 को घटाते हैं, 195 में से 131 घटाएंगे तो कितना आएगा? 64 आ जाएगा, इसका 64 आ जाएगा। यानी कि अब 195 और इसके बीच में अंतर निकालना है। अब इसी तरह से हम 879 और 536 के बीच में देख लेते हैं कि कितना अंतर आ रहा है। तो इसको घटा लेते हैं, 9 में से 6 गए 3, 7 में से 3 गए 4 और 8 में से 5 गए 3, 343। तो क्या कोई अंतर हमें मिल रहा है? देखते हैं, ये 27 है 3 का क्यूब, 27 3 का क्यूब है,
64 कितना है, 4 का क्यूब है, यानी कि 3 क्यूब 4 क्यूब 3 क्यूब को इसमें जोड़ा गया है 131 में, 131 में से 4 क्यूब को जोड़ा गया है। तो इसी तरह से हम ये देख सकते हैं कि 5 की क्यूब जो आएगा अगर वो 195 में हम जोड़ देंगे तो वो आंसर आ जाएगा। तो 5 की क्यूब कितना होता है 125, तो 195 में हम 195 में 125 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 5 में से 5, 5 कितने हो गए 10, 0, 9, 2, 11, 1, 12 का 2 हासिल लगे 1, 1, 1, 2, 1, 3, 320 यहाँ पर आएगा, क्वेश्चन मार्क जो भी है इसका आंसर 320 आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22, 23, 27, 36, 52, 77, इसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या होगा ये हमें बताना है। तो इसमें हम देख लेते हैं अंतर पहले कि अंतर में क्या कोई संबंध है, तो 22 और 23 के बीच का अंतर होगा 1 का, 23 और 27 के बीच का 4, 27 और 36 के बीच का अंतर कितना हो जाएगा 9, 36 और 52 के बीच का अंतर हो जाएगा 16, और 52 और 77 के बीच का अंतर हो जाएगा 25। तो इसका देख लेते हैं संबंध है, 1 2 2 का स्क्वायर है, 3 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, और 25 5 का स्क्वायर है, यानी कि अगर 6 का स्क्वायर अगर हम 77 में जोड़ देंगे तो वही हमारा आंसर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 हम जोड़ देंगे 77 में, 7 6 13 का 3 हासिल लगे 1, 7 4 13 और 1 14, 143 इसका आंसर हो जाएगा, 7 6 13 13 का 3 हासिल लगे 1, 7 3 10 और 1 11 113 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 36, 157, 301, 470 प्रश्नवाचक चिन्ह और 891। अब इस तरह के प्रश्नों में जिसमें संख्याएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, आप सीधे अंतर निकाल लीजिए। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको 1 से 10 तक का क्यूब मालूम होना चाहिए ताकि आप इसका अंतर अगर क्यूब के आसपास आ रहा है तो आप तुरंत उसको समझ जाएं। हालांकि जो इससे पहले मैंने ये वाला प्रश्न कराया था, इस तरह के प्रश्न के आने की बहुत कम संभावना है। ये एक तरह से आपको जानने के लिए है कि उसके अंतर के बीच में संबंध कितना आता है, स्क्वायर का अंतर है तो वो किस तरह से आपको निकालना है, किस तरह से अप्रोच आपकी होनी चाहिए। इस तरह के आसान प्रश्न अब नहीं आते हैं। अब दूसरा प्रश्न इसका नेक्स्ट पहले अगला देख लेते हैं, 36 से 157, घबराना नहीं है, इसमें अंतर आप देख लीजिए पहले, 36 से 157 के बीच में कितना अंतर आएगा, 7 में से 6 1 हो गया, 5 में से 3 2 और 1 121 आ गया। 157 और 301, 301 में से 157 को घटा लेंगे तो कितना अंतर आएगा, 11 में से 7 4, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 1 गए 1, 144। इसी तरह से 470 में से हम 301 घटा लेंगे, 470 में से 301 तो कितना आ जाएगा, 10 में से 1 9, 8 सॉरी 6, 6 बचेगा ना यहाँ पर 7 की जगह, और 4 में से 3 का 1 169। इसमें हम देखते हैं कि 121 11 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, और 169 113 का स्क्वायर है, यानी कि 470 में अगर हम लोग 14 का स्क्वायर यानी कि 256 14 का स्क्वायर अगर 14 का स्क्वायर 196 होता है सॉरी 14 का स्क्वायर 196 होता है, तो अगर 196 हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 196 जोड़ देते हैं, 14 का स्क्वायर आ जाएगा 6, 9 7 16 का 6 हासिल 1, 4 5 और 1 666, 666 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगला प्रश्न देखते हैं, 24 प्रश्नवाचक चिन्ह, 109, 134, 150 और 159। अब इसमें हम लोगों पहले का काम करेंगे अंतर देखेंगे, अंतर के में क्या कोई संबंध मिल रहा है हमको या नहीं मिल रहा है, तो हम यहाँ से देख लेते हैं, लास्ट से आप शुरू से या लास्ट से दोनों तरफ से देख सकते हैं। तो हम लास्ट से देखते हैं, 159 में से 50 गए कितना हो गया 9, 134 150 में से 134 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 16। उसी तरह से 134 में से 134 में से 109 चला जाएगा तो कितना आएगा 25। इसमें क्या कोई संबंध मिल रहा है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि 6 का स्क्वायर हम 36 को 109 से अगर घटा देते हैं तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो 109 में से हम 36 को घटा लेते हैं, 36 को घटा लेते हैं, 9 में से 6 3 हो गया, 10 में से 3 7 73, तो ये
प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह हमारा 73 आ जाएगा और यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है -1, 6, 25, 62, 123, 214 और ये प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा ये हमें पता लगाना है। अब इस तरह के केस में जहां माइनस वन से सीधे 6 हो रहा है तो यानी कि हम क्यूब या स्क्वायर का कोई रिलेशन नहीं आएगा। अब देख लेते पहले माइनस वन से 6 के बीच में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। 6 से 25 के बीच में कितना है, 19 का अंतर। कोई रिलेशन नहीं बन रहा है इस तरह में, तो हम क्या अप्रोच करेंगे, हम कुछ और सोचेंगे। इस तरह के प्रश्न ही पेपर में आएंगे आपके, जो पहले मैं बता रहा था इस तरह के प्रश्न बहुत आसान होते हैं, ज़्यादातर लोग कर लेते हैं, इस तरह के प्रश्न ही एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कुछ और देखेंगे। अब देखेंगे कि अगर हम एक की क्यूब करते हैं और इसमें से 2 घटा देते हैं तो क्या माइनस 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। उसी तरह से 6 को कैसे लाएंगे, हम 2 क्यूब करते हैं और -2 करते हैं, आ जाएगा 2 के क्यूब 8, 8 में से 2 गए 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 क्यूब 2 क्यूब। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 3 के क्यूब में से अगर मैं 2 घटा देता हूँ 3 की क्यूब 27 हो जाएगा, उसमें से 2 घटाएंगे तो क्या 25 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो उसी तरह से ये 4 की क्यूब में से 2 अगर मैं घटा देता हूँ तो 62 नहीं आ जाएगा, 4 की क्यूब 64 होता है, 64 में से 2 गए 62 हो गया। उसी तरह से ये 5 की क्यूब में से 2 घटाया गया है, ये 6 की क्यूब में से 2 घटाया गया है, उसी तरह से इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह 7 की क्यूब में से 2 घटाया जाएगा, यानी कि 343 में से अगर आप 2 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 341, ये आंसर हो जाएगा, 341 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इसमें आपको आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरह से माइनस वन से 6 आ सकता है, या स्वयं ये संख्या कैसे आई होगी, फिर दूसरी संख्या कैसे आई होगी। तो इस तरह के प्रश्नों को जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आने वाली और वीडियो में जितने रीजनिंग के जिस तरह के प्रश्न बन सकते हैं वो मैं आपको करा दूंगा, जिससे आपका रीजनिंग से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं गलत होगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।